हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप विंडोज से जो नोटिफिकेशंस आता रहता है उसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। मतलब वो जो आप बॉटम राइट कॉर्नर में जो आ रहा है नो न्यू नोटिफिकेशंस, यहाँ में बहुत सारा नोटिफिकेशंस आता रहता है। जब भी आप ऑन लैपटॉप या फिर पीसी ऑन करते हैं या फिर नेट कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारा नोटिफिकेशंस आता रहता है, तो उसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, वीडियो को लाइक करना मत जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप नोटिफिकेशंस विंडोज से कैसे हटा सकते हैं जो आपको आता रहता है अगर आप लैपटॉप या फिर पीसी ऑन करते हैं या फिर नेट कनेक्ट करते हैं। उसके लिए आप स्टार्ट मेनू में जाइए पहले और सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सिस्टम में आ जाइए, ठीक है, जो पहला वाला ऑप्शन है। उसके बाद आप नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस में आ जाइए और अभी ये जो है गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स, इसे आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये सब कुछ आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। इसे करने से आपका नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, ठीक है, इसे आपको पहले ऑफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं अभी ऑन करके ही रखता हूँ, ठीक है। अभी आपको फोकस असिस्ट में आपको जाना है और इसे ऑफ कर देना है, ठीक है। जो अलार्म ऑनली और प्रायोरिटी ओनली जो है इसे आपको ऑफ कर लेना है, ठीक है। इसे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, फोकस असिस्ट आपको याद रखना होगा। पहले आप नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस में जाइए, फिर फोकस असिस्ट में, ठीक है। उसके बाद आप बैक आ जाइए होम पेज में, उसके बाद आप पर्सनलाइजेशन में आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन में आ जाइए, जो बैकग्राउंड विंडो स्पॉटलाइट हो रहा है इसे आप पिक्चर कर दीजिए, ठीक है। इससे आप पिक्चर कर देने से अच्छा होगा, मैं अभी विंडो स्पॉटलाइट ही रखूँगा, ठीक है। ये दो तीन काम हो गया, आप अच्छे से याद रख लीजिए। पहले सिस्टम में, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, नोटिफिकेशन एक्सचेंज में जाना होगा, फिर इसे ऑफ करना होगा, फिर फोकस असिस्ट में जाना होगा, फिर इसे भी ऑफ करना होगा, फिर बैक आ जाइएगा, पर्सनलाइजेशन में आ जाइए, फिर लॉक स्क्रीन में आइए। लॉक स्क्रीन में आने के बाद इस बैकग्राउंड को आपको पिक्चर में कर लेना है, ठीक है। अभी इसे आप कट कर दीजिए। उसके बाद डिस पीसी खोल लीजिए, फिर व्यू में आ जाइए, फिर जो राइट टॉप राइट कॉर्नर में है जो ऑप्शन है इसमें आप एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर आप व्यू में आ जाइए, फिर आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो सिंक प्रोवाइडर नोटिफिकेशन, इसे आप अनटिक कर दीजिए और अप्लाई में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं टिक रहना ही देता हूँ, ठीक है। इसे आप अनटिक करके अप्लाई और ओके में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एक भी नोटिफिकेशन आपके विंडोज नहीं भेजेगा अपने लैपटॉप या फिर पीसी में, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएगा। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये भी बताइए आपके नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।